तो आज मैं बनाने की कोशिश करने वाला हूँ अपना ऑटोमेटिक हैमर, ये वाला काम। अरे हाँ, ये वाला जो यहाँ से कोबल स्टोन बन रहे, तो ऑटोमेटिक एक रिले बनाने वाला हूँ। और हाँ, एक चीज मुझे और बनानी थी, जो ये एलिमेंटल है ना, तो ये वाले एसेंस है, इनको ना मैं बना सकता हूँ यार। और हाँ, अगर आपने हमारा पेट व्लॉग नहीं देखा तो भाई लिंक मिल जाएगा नीचे, देख लेना भाई। मेरे को एक स्पिरिट रून चाहिए इसके लिए, और सामान है बाकी, ठीक है। एक वोंड बनानी पड़ेगी, देखो ये सामने आ रही है ना वोंड, यही वाली, तो बस ये रखो और ये स्पिरिट रून बन जाएगी, बेसिक वोंड। तो ये शायद से किसी भी ब्लॉक को कर देती है, कैसे करती है? अच्छा हाँ, याद आया, एक ब्लॉक होता है डीप स्लेट, ये ड्रिप स्टोन है ना भाई, ये ड्रिप स्टोन के ब्लॉक से ही हो जाता है काम। अगर ये ड्रिप स्टोन के ब्लॉक कैसे बनते हैं, अरे बन जाते हैं, चलो भाई ड्रिप स्टोन के ब्लॉक बन सकते हैं। तो इसे रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पर, ये देखो बन गया, लेफ्ट क्लिक से हो जाता है, तो ड्रिप स्टोन के ब्लॉक में बदल सकता हूँ भाई। ये लो, अब काम इजी। ये देखो भाई, स्टोन ही स्टोन, काश ये भी बदल सकता था मैं, लेकिन ये नहीं बदल सकता, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बदल सकता हूँ भाई इनको। और मेरे पास एक पिकैक्स नहीं है, ये लो भाई, सारे के सारे हो गए। और मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पकड़ा देता हूँ इसके हाथ में, ठीक है। अब हमारे पास ये भी आने शुरू हो जाएंगे भाई, बहुत सारे ऑटोमेटिक आ गए हमारे पास। और हमारे पास फायर के एसेंस भी आ चुके हैं, जो मुझे चाहिए थे। मुझे कम से कम 16 चाहिए थे, ताकि मैं दो एक मैग्मा की काओ बना सकूं, उसके बाद फिर मेरा टास्क हो जाएगा वो वाला। ये ना पहले मेरे को इसमें बनाना पड़ता है, ये बदलगी ना अब हो जाएगी, ठीक है। यार एक एनविल बनाने में कितने ब्लॉक चाहिए होते हैं, 3 ब्लॉक चाहिए होते हैं, ठीक है। एक एनविल आ जाएगी, एनविल की वैसे ज़रूरत पड़ेगी, और एक जार चाहिए होगा। शायद जार की जगह मुझे ग्लास तो यूज़ नहीं करना ना, क्योंकि जार के नाम से कोई भी रेसिपी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से मुझे एक काओ बदलनी है, और वो जो स्पिरिट वाली थी ना, वो इन पे भी काम करती है यार, मेरे को चेक करनी पड़ेगी। इस पर काम करती है भाई, नहीं 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 भाई, गलती हो गई, किस पर काम करेगी? ओ ये क्या बन गई भाई, ये तो मैंने कचरा कर दिया, ये चिकन बोंड बन गई यार। अरे यार ठीक है, मैंने अपनी बोंड को चिकन बोंड बना दिया, ठीक है यार, चिकन बोंड रहने दो। हमारे पास दो बोंड हो गई है, काव की और चिकन की। तो कुछ नहीं करना भाई, ग्लास चाहिए होगा, रुको हम करते हैं ये वाला काम, हटाओ हटाओ टो टो, यहाँ रखेंगे चीज़। इस पर जैसे ही काव आएगी ना, मैं इस पर तो वो कर दूँगा, कैप्चर कर दूँगा इसे, थोड़ा सा गड्ढा और कर दूँ। चढ़ 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 उसके ऊपर, चढ़ जा, चढ़ चढ़ जा ग्लास के ऊपर, चढ़ जा भाई, चढ़ जा चढ़ जा ऊपर चढ़ जा, अरे कोई तो चढ़ो यार। तो इसको पकड़ के वहाँ पे रखूँगा मैं, और फिर काम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ रखनी है, ऊपर से ये फेंकनी है, ये बनी नहीं, कैसे क्यों नहीं बनी भाई? यहाँ तो लगा देता हूँ एक ब्लॉक, जिसमें एक कैद होने वाली है, और ये चारों तरफ से बंद कर देता हूँ मैं, शायद से फिर ये कैद हो जाए, और मैं ऊपर ग्लास लगा दूँ, ताकि मेरे को, अरे कितने तीन तीन ग्लास लगे भाई, क्या डबल ट्रिपल क्लिक चल रही है भाई, ठीक है। तू आधा गाय, हम इसको भेजेंगे ऊपर, और शायद से इतने ही लेवल से इस पे गिरानी है, होगी 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 भाई होगी। चलो भाई ये देखो भाई, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ भाई। तो ये गाँव है, और मैं एक काम करता हूँ, एक लावा वाली काय को गाय को भी बना देता हूँ मैं, अगर ये आ जाए तो। वो एनविल खर्च हो जाती है इसमें, और भाई इसमें तो एक एनविल लग जाती है यार। चलो ठीक है, हमने अपनी गाय तो कैद कर ली है, लेकिन फिर भी यार ये तो एनविल लग रही है, ये तो गलत चीज़ है भाई, ठीक है। ये हमारे पास एक जार है, और जार के लिए ना मैं एक स्पेस बनाने की सोच रहा हूँ, जहाँ पर मैं काम कर सकूँ अपना, इनको इकट्ठा करने का। तो इस तरफ का जो एरिया है ना, यहाँ पर रख देता हूँ फिलहाल। तो ये पता क्या करेगी, ये मेरे को अपना मिल्क देती रहेगी, मतलब कि वो देती रहेगी सामान, जब भी मेरे को जरूरत होगी यहाँ से लेता रहूँगा, वहाँ की मेरे को जरूरत नहीं है। वो सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर लगा दूँ मैं, तो मैं ग्लास लगा के इसके ऊपर रख दूंगा मैं, अब सही लग रही है। लेकिन अब मुझे चाहिए होंगे आयरन, क्योंकि आयरन का काम होने वाला है, उसको बनाने के लिए एक एनविल और बनानी पड़ेगी, और आयरन मेरे पास है ही नहीं भाई, बहुत कम आयरन बच रहा है। क्या मैं अपना डायमंड का ये अपडेट कर सकता हूँ? रुको देखो, ये वाला जो चीज़ है, मेरे को 6 डायमंड चाहिए अगर बन जाए तो। रुको यार, 3 4 7 बन गए, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है भाई, डायमंड को पकाते हैं, ये जितनी ज़्यादा तगड़ी होगी। वैसे एक मिनट, फ्यूचर में तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ नहीं, लेकिन अभी तो यूज़ करने वाला हूँ मैं फिलहाल, तो इसलिए मैंने इसको अपडेट किया है भाई। मुझे चाहिए अभी आयरन, और आयरन मिलेगा इन्हीं से। अभी मेरी स्टोन, अरे मेरा वो देख लेता हूँ ना, अगर मेरा ये, ओ ये बकरी कहाँ से आई? अरे भाई कुछ ना कुछ तो स्पोन, ओ गधा भी आ गया, सही है भाई, आधा चीज़ें स्पोन हो रही है तगड़े लेवल पे, अच्छी बात है भाई, पैसिव चीज़ें स्पोन हो रही है। तो हमारा जो जनरेटर है ना, कोबल स्टोन जनरेटर, इसे देख लेता हूँ मैं कि ये अपडेट होने के लिए क्या चाहिए होगा इसके लिए। तो आयरन वाले के लिए मेरे को चाहिए एक आयरन का ब्लॉक्स, और आयरन डस्ट चाहिए, बाकी रो आयरन चाहिए, ठीक है, कोशिश करते हैं अगर हो जाए तो। अभी ऐसे हमारे पास इतने आयरन तो है कि मैं एक हैमर बना सकूँ, पर अभी थोड़ा सा रुकते हैं भाई,
क्या चाहिए था मेरे को, सबसे पहले ये बनाओ इसके ये चीज़, और इससे बन जाएगी ये वाली चीज़, और अभी अपडेट हो जाएगा। चल भाई प्लीज़ एक दे दे, आ गया भाई काम। ये अपडेट करते रहना चाहिए हमें, जैसे जैसे हम इसको अपडेट करते रहेंगे ना तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। चल भाई अब देखो थोड़ा जल्दी जल्दी इकट्ठा करेगा ये, थोड़ा सा स्पीड बढ़ी है बस, ज़्यादा तो नहीं। एक एनविल ये ले, अब हमारे पास आ जाएगा आयरन का हैमर, ये लो भाई। तो ये है आयरन का हैमर, अगर मैं इसको साइड में रख देता हूँ तो ये प्रेस करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी नहीं करेगा। इसके नीचे मेरे को रिले लगानी पड़ेगी तो ये प्रेस करना शुरू कर देगा। तो इसका काम क्या है, काम प्रेस ही करना है भाई, और क्या होएगा। किताब की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है भाई कैसे काम करती है। तो इसके लिए चाहिए हमें ये वाली पावर रिले, और अब मेरे को थोड़ा सा सिस्टम बदलना पड़ेगा। इस तरफ से करके मुझे ऐसे लगानी पड़ेगी ताकि ये इस तरफ ऐसे करके आ जाए सामान, ठीक है। अब ये वाली चीज़ आ जाएगी इसके ऊपर, तो ये कोबल स्टोन अभी उधर फेंक रहा है, लेकिन इसके लगने के बाद ये कोबल स्टोन उधर नहीं फेंकेगा शायद। अब ये चल जाएगा ऑटोमेटिक, चल जा भाई प्लीज़, बेइज्जती मत करवा दियो, चल जा चल जा चल जा, फेंकियो मत बस। हाँ हो गया, थोड़ा सा तो हुआ है, ये इधर फेंक का तो है, लेकिन देखो ये बना रहा है पर ये दूसरी तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। ये ग्रेवल बना रहा है भाई, काम तो ऑटोमेटिक हो गया हमारा, सामान बन रहा है। तो कुछ इनको प्रेस करने की मशीन है, नहीं प्रेस नहीं है कुछ भी, हम प्रेस के नाम से भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मैं जितने ज़्यादा आगे बनाता जाऊँगा ना, बस ये आगे नहीं बढ़ रहा है यार, मुझे देखना पड़ेगा भाई। ये काम तो कर रहा है लेकिन गड़बड़ कर रहा है भाई, ये ठीक से चल नहीं रहा है। ये यहाँ से ऐसे आगे जानी चाहिए थी ना, वो चेस्ट टू हटेगा भाई थोड़ी देर के लिए। और पहले तो ना मैं इनको बाहर शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि ये कहीं भी शिफ्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, इनको ना बाहर शिफ्ट कर देता हूँ, ये अपने आप ही ऑटोमेटिक एनर्जी लेते रहेंगे यहाँ से, ठीक है। दूर भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, वायरलेस है ये। तो ये देखना भाई काम क्यों नहीं कर रहा है हमारा, यहाँ पर हमने लगा दी ये चीज़ और ये आगे नहीं बढ़ रहा है। वो वैसे देखा जाए यहाँ पर ना कुछ ऑप्शन, ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके वो भी कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे को इसको पिसवाना है, कोबल स्टोन को करना है, ग्रेवल को करना है। अच्छा भाई मैं तो इसको ऑटोमेटिक लाइन से बनाने की सोच रहा था, पर ये तो काम ही नहीं कर रहा ठीक से। तो अब बना देते एक फोर्ज, फोर्ज बनाने की बारी आ चुकी है भाई, इनको साइड में रखो। पहले एक ब्लास्ट फर्नेस बनाना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए भी भाई सामान चाहिए होगा। ये आ गया हमारा फोर्ज, और ये फोर्ज भाई बड़ा कमाल का है, ये लावा से चलता है शायद, इसको रखने के लिए इस पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा हमारा फोर्ज, लेकिन हमें अभी लावा चाहिए होगा यार इस चीज़ के लिए, और लावा तो एक ही जगह मिलेगा हमारी लावा का। हटो भाई हटो 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 हटो, अब हम मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी चीज़ों की। तो ये लावा डाल दूंगा तो चल जाएगा, और इसके अंदर डालना पड़ेगा सामान। ओ ये कास्ट वास्ट बनाता है यार, मुझे आयरन चाहिए होंगे, दो आयरन, देखते हैं कि कितना स्पीड में काम करता है। इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा शायद, हाँ राइट क्लिक करेंगे तो ये भर जाएगा, और मैं ऐसे क्लिक करूँगा राइट तो ये निकल जाएगा। अरे घोड़े हट ले भाई, लेकिन इसमें नो इनगट चाहिए होगी एक ब्लॉक निकालने के लिए, और यहाँ से वो निकालने के लिए मेरे को चाहिए होगा एक पैटर्न, ठीक है। ये लगाते हैं इसमें, और ये देखो हमें मिल गया है ये वाला हैंडल, और हमारा ये आयरन की चीज़, ये अलावा है नहीं, पार्ट बिल्डर में नहीं होगा क्या, स्कैंसिल टेबल में होगा क्या फिर, नहीं इसमें भी नहीं है तो क्राफ्टिंग टेबल में होगा शायद फिर, हाँ क्राफ्टिंग टेबल में है। ये लो भाई हमारे आयरन की पिकैक्स, ओ मेरे पास ये भी आ गया, क्यों तीन मिले होंगे शायद, तीन मिले हैं भाई। तो एक काम करते हैं, इनको ना नैदर में फोड़ के आते हैं, क्योंकि नैदर में ना एक चीज़ रहती है कि मैं बच जाता हूँ भाई, लेकिन मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील है, हाँ है तो सही, क्योंकि भाई क्रीपर आ गया तो। ओ चेस्ट, ओ ठीक है भाई, इसको यही रखा रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, तो दूसरा देखते हैं अच्छी चीज़ मिल। नहीं 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 नहीं, ये मेरे को मारेगा, मेरी तलवार किधर है भाई, मर जा। अरे कितना तगड़ा है भाई, चलो बच के रहना, उस पर मुझे डायरेक्ट अटैक नहीं करना क्योंकि ये अटैक करता है फिर। अरे बेस से निकल गया यार, चलो तीसरा बॉक्स देख लेते हैं इसमें से क्या होगा, वो उसको तो वहाँ लपेट लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ओह आयरन का ब्लॉक देख रहे हो कितना। अरे नहीं 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 भाई, मारा इसने मुझे, आ जाना बीमार, कभी कभी मिल जाती है भाई ऐसी खतरनाक चीजें। मर जा भाई, कुछ देके तो नहीं गया लेकिन तू आया भी बेकार ही था। तो इससे मिली है मुझे एक चिकन की क्वेस्ट बुक, और यहाँ से शुरू होने वाला हमारा चिकन का काम, मतलब कि अब मैं चिकन के साथ नई नई चीज़ें कर सकता हूँ। तो एक चिकन वोंड बनानी मेरे को, मैंने पहले से बना के रख रखी है येरी। अरे दे, ये लो भाई चिकन वोंड आ गई, इससे मिल जाएगा मेरे को कंप्रेस एक्सपी जो कि 16 मिला है, वो मैं इसको बचा के रखूँगा क्योंकि इससे बीज बन सकते हैं, इसको मैजिक में रखते हैं, इससे ना बीज बना सकता हूँ मैं, और यहाँ पर मशीन में डाल सकता हूँ मैं। और शायद से अभी मेरे को एक और मिलने वाला था, हाँ यहाँ पर मिलने वाली, अगर मैं डाई बना लेता हूँ तो ठीक है।
अभी जादू वादू का नहीं, चिकन का देख लेते हैं। तो क्राफ्ट एंड प्लेस डाउन ए चिकन ट्रैप, तो एक चिकन ट्रैप बनाते हैं, ठीक है। यार हमारे घर पे मेंढक भी आ रहा है, उसका भी देखना पड़ेगा मुझे कुछ। इसके लिए सीड डालना पड़ेगा शायद इसमें, चिकन को ट्रैप करने के लिए। चलो देखते हैं, हमारे पास यहाँ एक चिकन था। चिकन चिकन किधर है भाई? शायद से चिकन इसमें अपने आप आ सकता है, तो ये लगा देंगे। और इसमें लगा दूंगा एक बीज ऐसे करके, कैसे लगाना था। तो इस तरीके से मैं चिकन्स को इस दड़बे में रख सकता हूँ। एक दड़बा बनाना पड़ेगा मुझे चिकन का। तो मैं ना सारा सामान ना इससे बनवा सकता हूँ। पता है क्या दिक्कत हो गई थी कि मेरे पास ये मिली थी ग्रास ब्लॉक, ये मेरे को ग्रास पे लगानी थी यार, चिकन वाली चीज़। तो जो फालतू वालतू ग्रास है उसको निकाल के आ जा भाई तू, ये टूट जाता है यार। तो देखो इसको करना क्या होता है, इसको ना रखना पड़ता है ऐसे घास में, ठीक है। उसके बाद इसमें लगाना पड़ता है बीज ऐसे करके, ये प्लेस हो गया। अब चिकन आएगा, चिकन इसमें ट्रैप हो जाएगा, समझ रहे हो। क्या मैं पूरा का पूरा ब्लॉक बना के पिसवा दूं? तो रुको देखता हूँ भाई। वो पीस देता है भाई, ब्लॉक ही पीस देता है। तो ये सही है भाई, वो ऑटोमेटिक काम। चलो इतना भी हाथ से हो रहा है बहुत है भाई, और क्या चाहिए। ओ देखो स्पीड कितनी होगी इसकी, बस ऐसे राइट क्लिक कर रहा हूँ, सिंगल ही अपने आप ही निकल रहा है भाई। मुझे ना चिकन की यहाँ पर आवाज तो आ रही है भाई, लेकिन ओ यहाँ पर ट्रैप हो गया चिकन। अरे भाई ये तो अपने आप ही हो गया ट्रैप चिकन, तो इसको लेंगे कैसे। अच्छा शिफ्ट दबा के, ओ भाई हमारे पास एक आ गया डर्ट वाला चिकन, ये तो मैंने पहली बार देखा, इसको पकड़ लेते भाई। तो एक डर्ट वाला चिकन आ गया जो कि डर्ट देगा, ठीक है। ये डर्ट चिकन है, तो इसके लिए मेरे को एक चीज बनानी पड़ेगी, इसका नेस्ट बनाना पड़ेगा। ये एग नेस्ट है, ये तो एग देगा नहीं, हमें चिकन का कुछ और बनाना था। थोड़े से चिकन अभी मुझे मारने पड़ेंगे। ओ चिकन आ गया, इसमें कोई एक चिकन आया है, अंडा आया चिकन का, ठीक है भाई। एक चिकन का अंडा आया जो कि है ग्रेवल चिकन का एग। तो अब यहाँ पर काम आने वाले है ये वाला, ठीक है, ये नेस्ट एग काम आएगा। तो ये घोंसले को यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, और इसके अंदर रख देता हूँ मैं अंडा। कैसे, इसके लिए ना मेरे को एक रेडस्टोन का लैंप बनाना पड़ेगा, ये वाला रेडस्टोन का लैंप, ठीक है। हो जाएगा भाई, अंडा हैच हो सकता है। तो यहाँ नीचे आ जाएगी एक टॉर्च, और इस पर आ जाएगा रेडस्टोन लैंप, ये जल जाएगा। इसके बाद फिर मैं इस पर घोंसला रख सकता हूँ, और अब मैं इस अंडे को इस पर प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है भाई। तो हमारा अंडा है अब हैच हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और ग्रेवल वाली हमारे पास आ जाएगी एक चिकन जल्दी ही भाई। मैं सोच रहा हूँ ना एक दो चिकन को और मार दूँ, क्योंकि भाई मारना बहुत ज़रूरी है, मेरे को फैदर इकट्ठा करना है। फैदर का मुझे पता नहीं कि कैसे इकट्ठा करें इनसे। ए भाई तो मेरे को फैदर दे दे, फैदर मिल गया। अरे मिल गया भाई, मिल गया मिल गया, काम हो गया। तो दोनों चीज़ों को हाथ में पकड़ेंगे, अपने आप ही काम हो जाएगा। ये ले टास्क हो गया भाई। दो ट्रैप और मिले, इनको भी लगा देता हूँ मैं साइड में। अब जब इतना काम हो ही गया, तो फिर मैं एक काम क्यों ना कर लूँ भाई, एक काम और कर सकते हैं हम, जो थोड़ा सा मुश्किल है भाई। देखो ये रोस्ट बनता है, ये उसका घर होता है, लेकिन इसके लिए रेड वूल चाहिए। मेरे पास फैदर तो है, लेकिन रेड वूल चाहिए होगी। ओ एक और कुछ आया इसमें, फैदर आए भाई, तीन फैदर। चलो और इसमें भी कुछ आया, ओ एक नए वो आई है भाई। रुको रुको रुको, ये तो बोन वाली लग रही है शायद, शायद ये बोन वाली स्केलेटन चिकन है, तो स्केलेटन का मतलब बोन देगी। चलो भाई काम अच्छा हो गया भाई, काम हो रहा है अब तगड़े लेवल पे। चलो पर तू वैसे आपको एक चीज और दिखानी है मुझे, देखो इन्होंने ओ इसमें से निकल के भाग गया। अरे मुझे लगा ये अभी कहीं और से आया भाई, हमारे पास ग्रेवल का आ गया जो ग्रेवल देगा भाई। तो ये मशीनें अब और ज़्यादा इजी होने वाली है, ग्रेवल देती है भाई, ड्रॉप करेगी ग्रेवल। सबसे पहले तो थोड़े से फेंस आएगी, और हमारे पास आ जाएगा हमारा रोस्ट। तो ये है रोस्ट भाई, जो सामान देगी, और इसके अंदर मैं रखने वाला हूँ अपना कोई सा भी, जैसे स्केलेटन वगैरह का, तो इस तरीके से। और ये कुछ बटन्स भी है, स्टोरेज भी है भाई ये, ठीक है। तो इस तरीके से काम करने वाला है भाई, और कितना बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे हमारे पास इकट्ठे होने वाले हैं सामान, ऐसे उनको डब्बे डब्बे वाइज रखेंगे, देखो ऐसे करके, ये अच्छा लगेगा ऐसे। और ये रखते हैं इसके अंदर, तो देखा भाई ये हमें हड्डियाँ देगा फ्यूचर में। पता नहीं यहाँ पे एक अंडे का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्या दिखा रहा है, सोगी की मरगी। रुको ओ सो जाती है भाई ये, ठीक है। इसको शायद से खाना देना होगा मुझे, तो ये कम से कम चार चिकन को स्टोर कर सकता है एक में। ओ चलो इसमें कुछ नहीं करना, खाने वाने के लिए तो बताया नहीं है, तो इसमें और भी चिकन मुझे रखने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ हो पाएगा। और शायद से यहाँ पर कुछ फंसा है, क्या फंसा है भाई, कौन सा अंडा फंसा है, सैंड का अंडा। चलो सैंड का भी रख देते हैं, और ये काम अब हमारा इजी होता जा रहा है भाई। और देखो लावा भी फुल हो गया, तो ऐसे हमारा सारा काम और भी इजी हो रहा है। और इस डोट का भी मुझे पता चल गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक चिकन रखा हुआ है, ऐसे चार हो जाएंगे तो चार चिकन हो जाएंगे।
तो ये काम अब हमारा जल्दी ही शुरू होने वाला है चिकन का, वैसे रियल लाइफ में भी शुरू हो रहा है, तो जाके देखना भाई, मैंने व्लॉग बनाया हुआ है हमारे चिक्स का। और आज का भी मेरा काम खत्म हो गया है, इसलिए वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं गेम के एपिसोड में।